में जंगल राज है, गुंडा राज है राजस्थान के अंदर। राजस्थान सुरक्षित हाथों में नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं, थानों में बलात्कार हो रहे हैं, मंत्री पुत्र गैंग रेप कर रहे हैं, एक मंत्री का बेटा धर्म बदल के रेप कर रहा है, आपके नामा विधायक पे हत्या का आरोप लगा, राजन विदुड़ी पे हत्या का आरोप लगा, मलिंगा जेल जाके आए, ये मतलब एक दर्जन तो कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनपे सीधे सीधे आरोप लगे, लेकिन एक मामले की जांच भी सीबीआई से नहीं कराई सीएम ने, ये हमारा सीएम पर आरोप है। मुख्यमंत्री कमजोर हो गए क्योंकि उनको सरकार बचानी है। अभी पिछले 5-7 दिन के जो एपिसोड हुए कि दिन में बयान विधायक कुछ देता है और शाम को जाके चला जाता है, मैंने देखा। इस तरह सचिन पायलट ने सरकार गिराने की उस समय कोशिश की थी, उस समय हम भी अशोक गहलोत के खिलाफ थे, सरकार गिराना चाहते थे, हम ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ वोट करें, लेकिन बाद में आपके सचिन पायलट 20-30 दिन घूम घूम के वापिस आके बैठ गए। अभी सचिन पायलट को बयान देना चाहिए कि राजस्थान में क्या हालात हो रही है, ये पायलट को कहना चाहिए। कांग्रेस किस इसमें चाहे भी चलेगी कांग्रेस पार्टी, कोई कानून का राज राजस्थान के अंदर नहीं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आम भाई हमारे सुरक्षित नहीं, गुंडा राज राजस्थान के अंदर AK-47 में लोग आते हैं, सरेआम थाने से मुलजिम छुड़ा के ले जाते हैं, आप हाड़ौती से लेकर तमाम राजस्थान में, पहले कुछ इलाकों में बदमाशी होती थी, पूरा राजस्थान अपराधियों का ऐसगा बन गया। गैंगवार की घटनाएं आप देखिए, जिस तरह पंजाब के अंदर मूसेवाला की हत्या हुई, नेता सुरक्षित नहीं, अभिनेता सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, ये राजस्थान किस ओर जा रहा है, और इस राजस्थान की बर्बादी का कोई कारण है तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला गठबंधन है। इन्होंने माफियाओं को संरक्षण दिया, बजरी माफिया, टोल माफिया, पर्यटन माफिया और शराब माफिया, तमाम माफिया, दर्जनों विधायक तो आपके माफिया बने हुए हैं जो शराब का काम करते हैं, किनकी कहीं की शराब पीर की फैक्ट्रियाँ होगी, भू माफिया जो जमीनों को काम करते हैं, डोडा पोस्ट वाले विधायक बन गए, मंत्री बन गए, आप ये सारा हालात जो है आपके सामने, इस राजस्थान को बचाने के लिए तीसरी ताकत को हम खड़ा करें, निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के जवानों किसानों के भरोसे पर खड़ी उतरेगी, और अगली जो लड़ाई है राजस्थान के अंदर वो कांग्रेस बहुत नीचे चली जाएगी, अगली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच राजस्थान में मुकाबला होगा, और हमारी प्रमुख मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन जोधपुर की धरती से करेंगे, संपूर्ण किसानों की कर्ज माफी जिसकी घोषणा राहुल गांधी ने की, प्रधानमंत्री ने की, बीजेपी के नेताओं ने की, संपूर्ण कर्ज माफी के साथ साथ फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, हमारे खाली पद भरे संविदा कर्मियों को नियमित करे और मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, जिससे नेताओं के भ्रष्टाचार की भी जांच हो और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। इसको लेकर आरजेडी पार्टी बड़ा बिगुल बजाएगी। कोरोना की वजह से हमने बहुत कुछ खोया, जो बड़ा आंदोलन उस समय हम नहीं कर पाए, लेकिन हम बड़ी रैलियों से हम राजस्थान को जगाने का प्रयास करेंगे के अंदर आए लोग इस पर भरोसा करें, क्योंकि अगर कांग्रेस और बीजेपी को आप देखोगे तो 22 साल की स्थिति मैंने आपको बता दी, किस तरह गहलोत वसुंधरा को बचाते थे, वसुंधरा गहलोत को बचाती थी, इतने मंत्रियों पर आरोप लगे, मैं जोशी, महेंद्र चौधरी, मलिंगा या आपका विदुड़ी, जोरीलाल मीणा के बेटे पर आरोप लगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं का एक बयान भी नाम लेकर उनके खिलाफ नहीं, जेपी नड्डा यहाँ आए लेकिन उन्होंने भी बयान नहीं दिया कि इस तरह कांग्रेस के मंत्री क्या कर रहे हैं। तो मिलाजुली का खेल है, मिलाजुली के खेल को खत्म करना, और आज भी पार्टी के लिए कटिबद्ध वचनबद्ध है, और मैं राजस्थान की जनता को आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जवान किसान की लड़ाई लड़ेगा और राजस्थान को वो मान और सम्मान देगा जो अपराध का कलंक राजस्थान के माथे पर लगा। हम 23वें नंबर पर थे, आज 1 नंबर पर महिला अपराध के अंदर राजस्थान आ गया, और उत्तर प्रदेश बिहार को राजस्थान ने अपराध में पीछे छोड़ दिया, इसको हम ठीक करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें हमारा कमिटमेंट था कि हम न तो कांग्रेस को वोट देंगे न बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, और या तो हम वोट का बहिष्कार करें तो राजस्थान की जनता और जवान हमें इसलिए माफ़ नहीं करेगा कि आप वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हो, आपको तो वोट देना चाहिए, हमने इसलिए भेजा। इसलिए हमने तय किया कि सुभाष चंद्रा जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, हम सुभाष चंद्रा को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक वोट करेंगे।